स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। आज बीजापुर के तमाम प्रार्थना मंदिरों में, मस्जिदों में, विशेषकर नमाजों और पूजा का विशेष प्रार्थना की गई सूरज ग्रहण के मौके पर। आज हम ठहरे हुए हैं तारीखी शहर बीजापुर की जामिया मस्जिद में। यहाँ पर आज जो है सुबह 7:45 बजे से एक सूरज ग्रहण की सलातुल कुसुब जो 2 रकात नमाज का यहाँ पर भी अहतमाम किया गया था, जिसमें हज़ारों की तादाद में मुसलमानों ने इस जामिया मस्जिद में 2 रकात नमाज सूरज ग्रहण की सलातुल कुसुब अदा की गई, जिसमें विशेषकर जामिया मस्जिद के इमाम हज़रत मौलाना यूसुफ साहब ने ख़ास कर विशेष दुआ के साथ के शहर में और तमाम हिंदुस्तान में अमन, शांति, भाईचारगी की उन्होंने विशेष दुआ की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम सामईन, जैसा कि आप हजरात देख सकते हैं कि आज जामिया मस्जिद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। सुबह फजर के बाद ही से लोगों का आने का सिलसिला शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह 7:45 तक एक बड़ी तादाद मस्जिद के अंदर लोग आ चुके थे। और उसके बाद सूरज ग्रहण की जो नमाज है, जिसको सलातुल कुसूफ कहा जाता है, वो दोगाना नमाज यहाँ पर अदा की गई और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने बाजमात नमाज अदा की। और उसके बाद इज्तिमाई दुआ का भी अहतमाम हुआ। फिर उसके बाद अभी तकरीबन 10:30 से 11:15 के आसपास तक उसका वक्त है और मीज़ान कैलेंडर के हिसाब से 10:55 तक उसका वक्त है और सालार के एतबार से तकरीबन पूरे मुल्क के एतबार से 10:45 तक उसका वक्त बताया गया है। तो लिहाजा ये जो वक्त है, इसके अंदर भी जो अभी नमाज़ तो कामिल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब तक के सूरज ग्रहण वो खुल ना जाता, सूरज की ग्रहण ना निकल जाती, उस वक्त तक नमाज में मशगूल रहते थे और बस हमारी अपनी ताकत और विसात के मुताबिक हमने नमाज अदा की है। बचा कुचा जो वक्त है उसमें भी हम तमाम के लिए यही तरगीब है कि हम जिक्र के अंदर, दुआओं के अंदर, इस्तग़फ़ार के अंदर और इन तमाम चीज़ों के अंदर, इबादत के अंदर अपना वक्त कामिल करने की कोशिश करें। आज देश भर में जो है सूर्य ग्रहण चला हुआ है और इसको लेकर तमाम देश भर में मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा, चर्च में लोग अपने अपने धार्मिक स्थल पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, नमाज़ें अदा कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर ठहरे हैं राघवेंद्र मठ में। राघवेंद्र मठ जो ड्यूटगिरी बीजापुर के ड्यूटगिरी मोहल्ले में है, राघवेंद्र मठ में ठहरे हैं। गोविंद देशपांडे सर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज की क्या विशेषता है और इसको लेकर क्या क्या चीज़ों को अपनाया जाता है और कौन कौन सी चीज़ों को करना चाहिए और ये सूर्य ग्रहण कब से कब तक होता है, इस बीच लोगों को क्या करना चाहिए, ये जानकारी हम लेंगे देशपांडे सर जी से। हिंदी में तो जी सर जी बोलिए।
हाँ, क्या क्या है आज का ग्रहण? बहुत ही खड़क ग्रहण है, क्योंकि सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण में अभी सूर्य ग्रहण प्रारंभ हुआ है, 8 बजे से 7 बजे 8 बजे से 11 बजे तक ये ग्रहण होता है, 3 घंटा। क्या अभी मलमूत्र भी विसर्जन नहीं करने का, स्नान शुद्धि करके भगवान का जप तप करने का रहने का है। सभी मठ मंदिर में लोक कल्याण के अनुग्रह में सभी मठ मंदिर में होम हवनादि अभी चल रहा है। अभी 3 घंटे में क्या करने की पूछ रहे तो ये बहुत ही कड़क होने के हिसाब से जप तप होने का है। सभी नवग्रह सोम चंद्र बुध का समय है ना, सभी जप करने का है, सभी मेन है। और सभी मठ मंदिर में इसका याग भी चल रहा है लोक कल्याण के अनुग्रह में। अभी एक ग्रहण बहुत कड़क होने के हिसाब से प्रयाण निषेध है, गर्भिणी लोग गर्भिणी स्त्रियाँ गर्भ में बैठने का है। और छोटे बच्चों क्या भी खाना भी नहीं खाने का, 3 घंटे में खाना भी नहीं खाने का, मलमूत्र नहीं विसर्जन करने का, प्रयाण भी नहीं करने का है। अभी 3 घंटा अभी मठ मंदिर में मस्जिद में लास्ट टाइमिंग 11 बजकर 10 मिनट सर द क्लोजिंग टाइम। हाँ, एक क्या भी नहीं करने का 3 घंटा। नुकसान के हिसाब से क्या बोलते हैं, वो ग्रहण न सूर्य को पकड़े हिसाब से वो प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होता है, उसका किरणों से बहुत ही प्रॉब्लम होता है। इसके हिसाब से ग्रहण स्त्री हो बाल बच्चों सभी उसको बाहर नहीं भेजने का, इसलिए वो ग्रहण का दोष हिसाब से वो नक्षत्र राशि सभी रहता है, वो अशुभ फल शुभ फल रहता है ना, इसके हिसाब से मठ मंदिर में जप किया तो लोग भी अनुग्रह होता है, किसी को भी क्या भी नहीं होता, नुकसान क्या भी नहीं होता। निवासी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूजों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूजों को देख सकते हैं। ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸಿನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश बातचीत कैसे सीखी जा सकती है। और सबसे पहले आप ये समझ लें कि मेरे बारे में ये जान लें कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, बट आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। सो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बातचीत करना नहीं आता, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हमें मीनिंग्स याद नहीं रहते, वोकैबुलरी हमारी वीक रहती है, तो जिसका इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली आई एम ईटिंग, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये सवाल करता हूँ कि मैं निंगल रहा हूँ या निंगल रही हूँ कैसे आप बोल सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुश्किल होती है, क्योंकि निंगलने का मीनिंग याद नहीं रहता। तो इसलिए वोकैबुलरी मतलब मीनिंग का जो है इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक मिसाल है और एक एग्जाम्पल है, मैं तैर रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा आई एम स्विमिंग। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं डूब रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है, क्योंकि डूबने का मीनिंग नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा वोकैबुलरी इम्प्रूव करें, मीनिंग हमारा इम्प्रूव करें। तो जो है ये इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, मीनिंग को कैसे याद किया जा सकता है, इतनी बड़ी डिक्शनरी लेकर के हज़ारों पेज की जो है मीनिंग्स हम याद नहीं कर सकते, तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी क्लास में आपको सिखाई जाएगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंसेस डिपेंड ऑन सिचुएशन, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएँ, तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो इट्स माई चैलेंज यू कैन स्पीक इंग्लिश ईजिली। तो कैसे, अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग जुमले होते हैं, उसका सीखना ज़रूरी है। मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, आ सकता हूँ, आ सकता था, आना चाहिए था, आ चुका हूँ, आ चुका था, ऐसे बहुत सारे जुमले हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर हम वो जान लें सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, तो जो इंशाल्लाह बहुत ही जो है आसानी के साथ इंग्लिश बातचीत हम
कर सकते हैं। तो अगर आप जो है हमारे साथ इंग्लिश बातचीत सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास को और नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो है आप ज़रूर इंग्लिश बातचीत सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।